हेलो, द क्वेश्चन सेज, यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ म्योटिक डिवीजन एंड माइटोटिक डिवीजन एंड स्पिंडल एपरेटस इन्वॉल्व्ड रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 48 मेल गैमेट इन अ एंजियोस्पर्म. ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट में स्टार्टिंग फ्रॉम पोलन मदर सेल. ठीक है, तो हमको क्या बताना बेटा, यहाँ पे ये रेशियो बताना है. ठीक है, इसका रेशियो किसका, ब्योटिक डिवीजन एंड माइटोटिक डिवीजन का एंड स्पिंडल एपरेटस का. ठीक है, तो देखते हैं तीनों का क्या रेशियो होगा. फर्स्ट बोला है कि 1:8:8 एंड सेकंड ऑप्शन बोला 1:8:1 एंड थर्ड ऑप्शन बोल रहा है 1:4:9. ठीक है, तो देखते हैं बेटा क्या है, हमको क्या रेशियो किसका बताना बेटा. रेशियन जो है हमको बताना है म्यूटिक डिवीजन किसका बताना, ऑफ म्यूटिक का बताना, म्यूटिक डिवीजन का और किसका, म्यूटिक डिवीजन हो गया और माइटोटिक का बताना है बेटा, किसका, माइटोटिक का और माइटोटिक डिवीजन एंड एंड क्या है एंड स्पिंडल स्पिंडल. ठीक, स्पिंडल स्पिंडल एपरेटस का. ठीक है, ठीक है, स्पिंडल एपरेटस दिया. ठीक है, स्पिंडल एपरेटस का है. ठीक है, एपरेटस. ठीक, तो देखते हैं बेटा क्या होता है. एक तो म्यूटिक बताना है, सॉरी एक म्यूटिक बताना है, एक माइटोटिक बताना है एंड स्पिंडल एपरेटस, इनका रेशियो हमको बताना है. ठीक है, और ये दे रखा है क्या बेटा, यहाँ पे दे रखा है कि फॉर्मेशन जो होता है इसके दौरान जो फॉर्मेशन होता है 48 मेल गैमेट दे रखा है एंजियोस्पर्म प्लांट में. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ 48 क्या दे रखा है आपका बेटा, फॉर्मेशन ऑफ 48 क्या दिया है, 48 गैमेट दिया, 48 मेल गैमेट दिया है. ठीक है, मेल गैमेट्स दिया है. ठीक है, इन एंजियोस्पर्म प्लांट में. ठीक है, जो कि फ्लॉरिंग प्लांट होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट. तो ठीक है, देखते हैं बेटा ये दे रखा है आपका 48. तो होता क्या है बेटा, आपको इतना तो पता है कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है कि जो मेल गैमेट होता है उसका म्यूटिक डिवीजन जो होता है वो उसमें आपका 4 मेल गैमेट बनता है. ठीक है, तो आप इधर लिख सकते हो, जैसे कि हम जानते हैं, वी नो दैट फॉर इच म्यूटिक, ठीक है, इच म्यूटिक डिवीजन, ठीक है, इच म्यूटिक डिवीजन आपका क्या होता है बेटा, 4 होता है. ठीक है, 4 होता है. ठीक है, 4 मेल गैमेट बनता है, 4 मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड. तो होगा क्या बेटा, और आपका दे क्या रखा है, आपका दे रखा है 48. सो आप लिखोगे, सो यहाँ पे अगर 48 की बात करें, 48, ठीक है, अगर 48 मेल गैमेट की बात करें मेल, तो हम क्या करेंगे बेटा, इससे डिवाइड कर देंगे. क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 480 मेल गैमेट्स क्या बनाएंगे बेटा, टू फॉर्म क्या बना देंगे, 4 हो गया ना, तो 48 से 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा. कितना बन जाएगा, 12 मियोसिस, म्यूटिक बोलो या मियोसिस बोलो, ठीक है, विल अकर. ठीक है, अकर, ओके. तो कितना बन रहा है बेटा, आप ये देख रहे हो कि कितना बन गया, इतना बन गया, 12 बन गया. ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो 4 मेल गैमेट जो बेटा आपका जो डेवलप हो रहा है, ठीक है, वो 4 माइटोटिक डिवीजन आर उसमें क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, होगा कि नहीं. तो आप इस तरह लिख सकते हो, आप इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हो कि एक तो आपको पता चल गया कि इतना क्या है आपका, मियोसिस हो गया. ठीक है, इतना आपका 12 जो है मियोसिस हो गया. ठीक, अब हम क्या निकालेंगे बेटा, अब हम निकालेंगे म्यूटिक निकालेंगे, मतलब माइटोटिक निकालेंगे, मतलब माइटोसिस. ठीक, तो हम सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि वी नो जैसे कि हम जानते हैं 4 आपका क्या, 4 मेल गैमेट बना है, 4 मेल
गेमेट गेमेट्स जो है टू डेवलप हो रहा है टू डेवलप, ठीक है, टू डेवलप फ्रॉम, ठीक है, प्रिकर्सर प्रिकर्सर, ठीक है, प्रिकर्सर सेल, तो कितना होगा बेटा फोर फोर आपका माइटोटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा फोर माइटोटिक डिवीजन, मतलब फोर माइटोटिक डिवीजन डिवीजन, ठीक, आर रिक्वायर्ड कितना होगा, आर रिक्वायर्ड मतलब इतना हमको आवश्यकता होगी, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे कि फोर जो होता है आपका ये मियोसिस में जैसे हम जानते हैं कि फोर मेल गैमेट बनता है, तो इसलिए मैंने क्या किया 48 में फोर से डिवाइड करके आपका 12 मियोसिस बना दिया, और वैसे ही हम जानते हैं कि विनो फोर मेल गैमेट आपका डेवलप होता है प्रिकर्सर फोर माइटोटिक में, माइटोटिक डिवीजन में भी क्या होता है फोर का रिक्वायर होता है, ठीक है, फोर मेल गैमेट का रिक्वायर होता है, तो इस तरह आप बोल सकते हो सो फोर, अगर हम 48 की बात करें यहाँ पर, वो बात हुआ आपका बेटा यहाँ पे ये मियोसिस की बात हो रही है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे माइटोटिक डिवीजन की जिसमें हमको रिक्वायर है, तो आपका हो जाएगा 48 का क्या जाएगा बेटा 48 मेल गेमेट जो दे रखा आपका मेल गेमेट, ठीक है, 48 मेल गेमेट्स टू डेवलप, ठीक है, इट कितना डेवलप करेगा बेटा इट विल रिक्वायर कितना रिक्वायर हो जाएगा रिक्वायर 48 ही होगा, कितना हो जाएगा बेटा 48, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे फोर मेल गैमेट के लिए डेवलप करने के लिए फोर ही इसको रिक्वायर्ड हो रहा है माइटोसिस में, इसी तरह और वहाँ पर फोर के जब आपका क्या दे रखा है 48 दे रखा है, तो 48 अगर रिक्वायर्ड है यहाँ पर दे रखा है 48 मेल गैमेट, जैसे कि हम जानते हैं कि 44 मेल गैमेट होता है डेवलपमेंट माइटोसिस के लिए हमको रिक्वायर होता है, तो वैसे आपका दे रखा है 48 उसके जगह पे 4 की जगह पे, तो हम ये कह सकते हैं ना कि 48 माइटोटिक डिवीजन के हमको क्या है रिक्वायर्ड है, ठीक है, सो इस बेसिस पे 4 तो होता है, इस बेसिस पे हम कर रहे हैं 4 होता है फोर होता है मेल गैमेट, ठीक है, तो हमको रिक्वायर होता है फोर माइटोटिक डिवीजन का, फोर का फोर ही होता है, ठीक है, उसी तरह आपका दे रखा है 48, हम मियोसिस की बात नहीं कर रहे माइटोसिस की बात कर रहे हैं 48, तो ये क्या हमको रिक्वायर्ड हो जाएगा बेटा 48 ही रिक्वायर्ड होगा 48 माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, डिवीजन, ओके ये हो गया, तो यानी कि आप ये देख रहे हो कि 12 आपका हो गया मियोसिस डिवीजन हो गया 12 आपका मियोसिस डिवीजन हो गया, ठीक है, ओके इतना दे रखा है इसको हम डिवाइड किए तो इतना हो गया क्योंकि इतना दे रखा था, ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर दिए तो 12 हो गया, और अब हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में 4 दे रखा है तो हमको उसके जगह पर मतलब 48 ही यहाँ पर क्वेश्चन में 48 दे रखा है तो हमको इतना ही रिक्वायर्ड होगा, तो आप देख लीजिए माइटोसिस अब मियोसिस और माइटोसिस आपका निकल गया, अब हमको क्या निकालना है स्पिंडल फाइबर निकालना है, तो अब हम लिखेंगे थर्ड थिंग अब हम लिखेंगे कि 4 स्पिंडल के लिए हम निकालेंगे, ठीक है, किस चीज़ के लिए ये चीज़ हो गया मियोसिस हो गया माइटोटिक हो गया, अब हम स्पिंडल एपरेटस के बारे में निकालेंगे, ठीक, तो आप देख सकते हो फोर माइटोटिक डिवीजन ठीक माइटोटिक डिवीजन के लिए बेटा हमको क्या रिक्वायर होता है हमको 2 स्पिंडल एपरेटस की ज़रूरत होती है, क्या 2 स्पिंडल ठीक है 2 स्पिंडल ध्यान से सुनिएगा बेटा तभी आपको समझ में आएगा एपरेटस, ठीक है 2 स्पिंडल एपरेटस की ज़रूरत होती है आर क्या होते हैं फॉर्म्ड होते हैं फॉर्म्ड, ठीक 2 स्पिंडल एपरेटस बनता है किसमें बेटा माइटोटिक में, ठीक है 2 स्पिंडल फॉर्म्ड होता है बेटा आपका इच मैंने इधर लिखा है कि 4 इधर लिख सकते हैं 4 इच 4 यहाँ पे आप लिख लेना 4 इच ठीक है फॉर इच माइटोटिक मतलब माइटोसिस, ठीक माइटोसिस डिवीजन के लिए हमको 2 स्पिंडल एपरेटस बनता है, ठीक है एंड आप देख सकते हो एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंड 1 जो बनता है बेटा एंड आप देख सकते हो एंड मियोसिस क्या बात कर रहे हैं मियोसिस की बात कर रहे हैं मियोटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है आप इसको घेर लो बेटा तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर मियोटिक की बात हो रही है और यहाँ पर जो हुआ है माइटोसिस में आपको कितना हो रहा है
दो की जरूरत हो रही है, ठीक। और यहाँ पर मियोसिस में हम कितना कर रहे हैं बेटा, मियोसिस में हमको कितना स्पिन डिवीजन हो रहा है, म्यूटिक में डिवीजन वन हो रहा है, डिवीजन वन, ठीक है, वन स्पिंडल, ठीक है। एपरेटस की जरूरत होती है, एपरेटस, ठीक है, इज फॉर्म्ड बनता है, ठीक है। तो इस तरह आपने देख लिया कि दो बनता है आपका, दो किस में बनता है, माइटोसिस में बनता है, और एक कितना बनता है आपका बेटा, एक जो बनता है, एक स्पिंडल जो बनता है आपका इसमें बनता है, ठीक है, मियोसिस में बनता है, एक आपका क्या होता है, मियोसिस में बनता है, ठीक, और दो आपका माइटोसिस में बनता है। अब हमको यहाँ पे करना है, अब आप लिख सकते हो, सो 48 तो आपका दे रहेगा, सो 48 माइटोटिक, ठीक, डिवीजन, डिवीजन, अब माइटोटिक डिवीजन को हमको 48 को लेकर चलना होगा, ठीक है। तो 48 के डिवीजन को लिए, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे दो की बात हो रही है माइटोसिस में, यानी कि माइटोसिस में यहाँ पे जस्ट इसको डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, यानी कि हम क्या कर देंगे, डिवीजन आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 48 इंटू टू डबल हो जाएगा ना, तो ये इसका टू कितना हो जाएगा, 96, कितना हो जाएगा बेटा ये 90, जस्ट डबल हो जाएगा ना, 96 हो जाएगा इसका, माइटोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दो स्पिंडल एपरेटस बनता है माइटोसिस में, इसलिए यहाँ का इसका जस्ट डबल हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब हम ये इतना एपरेटस बनेगा, ठीक है, 96 स्पिंडल एपरेटस, ठीक है, बनेगा ना। अब क्या, ठीक है, एंड आप लिख सकते हो, एंड फोर 12 की बात करें, 12 किस में बना है बेटा, मियोटिक में, 12 आपका किस में बना है, 12 आपका 12 किस में बना है, मियोसिस में बना है, ठीक है, मियोसिस का डिवीजन में हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 12 का मियोसिस का आप लिख सकते हो कि 12 मियोसिस डिवीजन, ठीक। तो 12 इसमें क्या हो जाएगा, 12 स्पिंडल एपरेटस क्या हो जाएगा, इसमें बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेटा एक दिया है, क्या दिया, एक स्पिंडल किस में बनता है, मियोसिस में एक स्पिंडल बनता है, एक स्पिंडल बनता है ना मियोसिस में, यानी कि इसके जस्ट क्या हो जाएगा, एक स्पिंडल बनता है, और आपका दे रखा है कितना, 12 दे रखा है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने निकाला है, यहाँ पे आपका 12 बना है, 12 बना है ना, 48 से आप 4 का डिवाइड किए तो आपका 12 मियोसिस हुआ, तो 12 आपका एक स्पिंडल में बन जाएगा, ठीक है, डिवीजन, इसलिए मैंने यहाँ पर 12 लिखा है, ठीक है, क्या लिखेंगे, डिवीजन 12 स्पिंडल, स्पिंडल एपरेटस, एपरेटस क्या हो जाएगा, आर फॉर्म्ड, ठीक है, फॉर्म्ड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक की बात हो रही है, यहाँ पर दो की बात हो रही थी, तो ये जस्ट डबल हो गया, और एक की बात हो रही तो एक आपने यहाँ पर 12 निकाल के रखे हैं आप ऑलरेडी, तो एक स्पिंडल में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब मियोसिस और माइटोसिस दोनों का हमको स्पिंडल निकालना, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे बेटा, ऐड कर देंगे, तो आप लिख सकते हो हैंस हैंस एपरेटस एपरेटस इन टोटल टोटल क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ कितना हो जाएगा बेटा, 48 नहीं 48 नहीं कितना हो 96, कितना हो जाएगा बेटा, 96 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 96 प्लस 12 इसकल टू 108 हो जाएगा, 108 बन जाएगा, ठीक है, ओके। स्पिंडल ये क्या हो जाएगा, स्पिंडल स्पिंडल एपरेटस इज फॉर्म्ड। अब हम इसका रेशियो निकाल रहे हैं बेटा, ठीक है, तो आप देख लिए यहाँ पर टोटल स्पिंडल क्या गया, 108 हो गया, तो अब हम रेशियो इसका निकालेंगे, तो अब हम लिख सकते हैं, सो द रेशियो ऑफ म्यूटिक डिवीजन, म्यूटिक डिवीजन, म्यूटिक डिवीजन, फिर देन माइटोटिक, माइटोटिक डिवीजन, देन थर्ड क्या है आपका, म्यूटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन एंड एंड
एंड म्यूटिक हो गया, माइटोटिक हो गया एंड नंबर ऑफ द स्पिंडल, क्या हो गया एंड नंबर ऑफ स्पिंडल एपरेटस इज क्या हो जाएगा बेटा। अब देखो हम लिखते हैं कैसे, अब देखो पहले बात करें म्यूटिक का, तो म्यूटिक आपका कितना हुआ बेटा, सबसे पहले 12 निकला, तो म्यूसिस हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा 12 इज टू। अब देखो फिर देन माइटोसिस कितना हुआ आपका, ये माइटोसिस ये फर्स्ट 12 निकला, माइटोसिस आपका 48 हुआ, माइटोसिस यहाँ पे क्या लिखेंगे 48। अब स्पिंडल फाइबर कितना टोटल आपका निकला बेटा 108, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 108। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आप जब डिवाइड कर दोगे निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ये 12 वन जा हो जाएगा और ये 12 फोर जा 48 एंड 12 नाइन जा, ठीक है। तो 1:1:4:9 ये आपका रेशियो हो जाएगा। सो म्यूटिक डिवीजन माइटोटिक डिवीजन एंड स्पिंडल एपरेटस, इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा बेटा, इसका सीक्वेंस आपका हो जाएगा 1:4:9 रेशियो। सो आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सो करेक्ट ऑप्शन इज आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट आपका इनकरेक्ट दे रखा, फर्स्ट आपका इनकरेक्ट दे रखा, सेकंड भी आपका इनकरेक्ट दे रखा, नहीं मिल रहा, थर्ड आपका करेक्ट है और फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट है। तो थर्ड आपका क्या दे रखा है बेटा, थर्ड आपका दे रखा है कितना, सॉरी मैं इधर लिख देता हूँ, क्या लिखा है 1:4:9, ओके। सो करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, ओके। होप दिस आंसर योर क्वेश्चन, लेट्स क्रैक इट, थैंक यू।